हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्सचर में। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर किसी को भी कॉल करते हैं गाइस, तो यहाँ पर कॉल नहीं जाता, कॉल कुडंट कनेक्ट बल्कि दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल कुडंट कनेक्ट ऐसा आपको दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और कैसे फिक्स करना है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा गाइस, लास्ट एंड तक देखना होगा। अगर गाइस आप स्किप करेंगे, वीडियो आगे बढ़ाएंगे, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो इन स्टेप्स को आपको कर लेना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको कर लेना है, यहाँ पर गाइस कैसा होता है कि आपका जो कॉल है वो जब भी आप कॉल करते हैं किसी को भी, तो यहाँ पर गाइस ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है वो होता है गाइस आपका इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो फास्ट रहना ज़रूरी है गाइस। वाईफाई से आप कनेक्ट कर लीजिए, या फिर आप फास्ट इंटरनेट को कनेक्ट कर लीजिए गाइस। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसा कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली सेटिंग में चल जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐप्स में चल जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के अंदर जाना होगा गाइस। व्हाट्सएप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज में चल जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद क्लियर कैच कर लेना है गाइस। अब जो भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपको क्लियर कैच कर लेना है सिर्फ। तो मैं यहाँ पर दोनों भी कर लेता हूँ। क्लियर डेटा मत कीजिए गाइस, वरना फिर से आपको नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद फोर स्टॉप कर लेना होगा गाइज आपको, जो भी व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर चल जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर लेना होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के अंदर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा, सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन दिख जाएगा, स्टोरेज एंड डेटा। इसके अंदर आपको चल जाना है। इसके अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजलेस डेटा फॉर कॉल्स। यहाँ पर यह ऑन रहेगा तो आपको इसे ऑफ कर देना है। याद रखिए गाइस, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो कैसा होता है कि जब भी कॉल करते हैं आप किसी को भी, तो ये कम डेटा लेता है। और यहाँ पर अगर आपको कॉल आता है किसी से भी तो कम डेटा लेता है, इसकी वजह से यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है गाइस। तो इसे आपको हमेशा बंद रखना होगा गाइस। तो आपको ये परमिशन दे देना है कि जब भी यहाँ पर कॉल करेंगे आप यहाँ पर व्हाट्सएप से, तो यहाँ पर फुल डेटा एक्सेस की परमिशन आपको दे देना है यहाँ से। तो यहाँ पर से आपको बंद कर देना है इस ऑप्शन को। अगर ये ऑप्शन ऑन करेंगे तो यहाँ पर डेटा कम जाएगा, जिससे यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इन स्टेप्स को आपको कर लेना है ध्यान से। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।